हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जीटी सैन एंड्रियास के अंदर, जीटी सैन एंड्रियास 2005 की गेम है, उसके अंदर क्या नाम है, टेक्सचर्स, ट्रीज और काफी चीजें जो है हाई क्वालिटी की नहीं है। टोटली जीटी सैन एंड्रियास में हर एक चीज ब्लरी है। तो गाइस, मेरे पास यार इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक जीटी सैन एंड्रियास में एक वीडियो डाल दूं जिसमें मैं 100 मोड इंस्टॉल कर दूं या 50 इंस्टॉल कर दूं। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोज नहीं डाल पाता। इसीलिए हम लोग पार्ट पार्ट वाइज हम लोग जीटी सैन एंड्रियास को रीमास्टर्ड करेंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है जीटी सैन एंड्रियास के रोड टेक्सचर्स और ट्रीज को एचडी करेंगे। जो भी हमारे जो रोड के टेक्सचर होते हैं तीनों सिटीज के अंदर, लॉस सैंटोस हो या लॉस वेंटोरास हो या सैन फिरो, तीनों के जो रोड होंगे एचडी में हो जाएंगे और जो है ट्रीज भी होंगे सारे एचडी में हो जाएंगे। अब यार मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेक्सचर जो है वो हमारे जीटी 5 से रिलेटेड है। मैंने टेक्सचर में बहुत ज्यादा रिसर्च की तो मुझे यही टेक्सचर मोड बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसी को लिया, क्योंकि ये हमारी गेम के अंदर GTA 5 से इंस्पायर्ड टेक्सचर्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम लोग आज इसी टेक्सचर मोड को इंस्टॉल करेंगे। और जो हमारा वेजिटेशन का मोड है वो है डेफिनेटिव एडिशन से इंस्पायर्ड। ये मोड क्या करेगा, GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन के जितने भी वेजिटेशन, जितने भी ट्रीज और ग्रास है वो आपकी गेम के अंदर ऐड कर देगा और ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है। वीडियो शुरू होने से पहले यार आप लोग को एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को जाकर लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं देखता हूँ आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने की है, इसलिए यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। आप लोगों ने दो मोड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, GTA 5 का टेक्सचर मोड होगा और दूसरा जो है डेफिनेटिव एडिशन का मोड है। आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों मोड्स को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे पहले से डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखे हुए, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के इंस्टॉलेशन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर ये रहे हमारे दोनों मोड जो है इंस्टॉल, यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़े हुए इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। क्या करेंगे हम लोग, एक साइड पे मोड्स को रख लेते हैं, दूसरी साइड पे जो है GTA San Andreas का जो है टेक्सचर, GTA San Andreas का रूट डायरेक्टरी फोल्डर खोल लेते हैं। तो ये मेरा GTA San Andreas का फोल्डर है, इसको मैं एक साइड पे लगा देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हमें एसेंशियल पैक की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे बेसिक मोड होते हैं इंस्टॉल करना लाजमी है। अगर आपको नहीं पता कि बेसिक मोड्स क्या होते हैं, किस तरह इंस्टॉल होते हैं, तो आई बटन पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, जाके वीडियो को देख लेना एंड तक, उसके बाद आप लोग इस मोड को इंस्टॉल करना। क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने मैंने सारे बेसिक मोड्स के बारे में आप लोगों को बताया है, चाहे आप स्क्रिप्ट मोड डालो या मोड लोडर यूज करो, जो भी मोड आप इंस्टॉल करना चाहोगे बेसिक मोड के अंदर सारे मोड्स के बारे में मैंने बताया। तो आप बेसिक मोड्स को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने GTA 5 के टेक्सचर के मोड को इंस्टॉल कर लेना है। टेक्सचर के मोड को हम लोग खोल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा GTA 5 टेक्सचर फॉर GTA वर्जन 3। इसके अंदर आप लोगों ने चले जाना है, आपको एक फोल्डर दिखेगा 2GTA3.img। आप लोगों ने क्या करना है, अपने GTA San Andreas के फोल्डर में मोड लोडर नाम का फोल्डर मिलेगा बेसिक मोड्स के साथ। आप लोगों ने मोड लोडर के अंदर जाना है और यहाँ पर 2GTA3.img के फोल्डर को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने के बाद जो हमारा टेक्सचर मोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर हमें वेजिटेशन का मोड खोल लेना, जो हमारी डेफिनेटिव एडिशन की वेजिटेशन है, इसको खोल लेना। और यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और आपको यहाँ पर एक फोल्डर देखने को मिलेगा डेफिनेटिव एडिशन वेजिटेशन बाय GTA द मोडर। आप लोगों ने इस पूरे फोल्डर को मोड लोडर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये हमारा जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये यहाँ पर अभी कॉपिंग होगी हमारी वेजिटेशन की, जितनी भी फाइल सारी कॉपी हो रही है। रिप्लेस करने का कहेगा तो आप लोग रिप्लेस कर देना है। यहाँ से इंस्टॉलेशन जो है यार हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम लोग चलते हैं अपनी गेम प्ले की तरफ, हम लोग चेक करते हैं हमारे टेक्सचर चेंज हुए या नहीं, वेजिटेशन कैसी है कैसी नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपनी गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं और सिंपली मैं यहाँ से अपनी गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारी गेम जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, तो गाइस हमारी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो ट्रीज तो आपको गेम स्टार्ट करते हैं सामने ही दिख जाएंगे। और ये आप लोग देखो रोड, हमारी पूरी GTA 5 के जो रोड्स हैं हमारी गेम के अंदर ऐड कर दिए गए। फुल आप लोग देख सकते हो कितने ऑसम ये टेक्सचर लग रहे हैं। और ट्रीज की तरफ भी आप लोग देख सकते हो हमारी GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन के जो ट्रीज है हमारी गेम के अंदर ऐड हो गए, कितनी ज़्यादा गेम ऑसम लग रही है आप लोग देख सकते हो। इसी तरह पूरे मैप के जो है हमारे टेक्सचर चेंज हो गए। मैं आप लोगों को दूसरे मैप के अंदर भी जाके दिखाता हूँ, दूसरी जो हमारी गेम की सिटीज़ हैं।
ये हमारी गेम की सिटीज है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं लास्ट वेंटोरस की तरफ। सबसे पहले यार यहाँ टेलीपोर्ट करने से पहले मैं नेवर वांटेड लेवल का लगा देता हूँ अपने मेन्यू से। अगर आपको नहीं पता कि ये मेन्यू अपनी जीटी सैन एंड्रियास के अंदर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, तो इसकी भी वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाके देख लो। तो अभी हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ टेलीपोर्ट करके आ चुका हूँ दूसरे मैप में, और आप लोग देख सकते हो इस मैप के भी टेक्सचर्स फुल हाई क्वालिटी के GTA 5 के टेक्सचर्स आए हुए, और वेजिटेशन भी आप लोग दूर दूर तक देख सकते हो। GTA क्या नाम है, GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन की वेजिटेशन जो हमारे ट्रीज वगैरह वो GTA San Andreas इंस्पायर्ड हमें गेम के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यार यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद नहीं होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ ऐसी गेमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।